अंबियाई इबादत, और अंबिया का जिक्र अल्लाह अपनी इबादत में शुमार कर लेता। जितनी देर अंबिया का जिक्र करो अल्लाह फरिश्तों को कहता मेरी इबादत में शुमार कर लेना। औलिया अल्लाह का जिक्र करें तो गुनाह बैठ देना। अब छोटे मोटे गुनाह चलते रहते हैं, नहीं मालूम कितने गुनाह लेकर हम बैठते हैं महफिलों में, लेकिन औलिया अल्लाह का जिक्र सुनते हैं तो खुशखबरी है गुनाह मेल दिए जाते हैं। आ रहे हैं गुनाहों के पोटलियां लेकर, गुनाहों का बोझ लेकर, लेकिन दोस्तों के जिक्र की बरकत से अल्लाह पूरे गुनाह मेल देता है। घर को जा रहे हैं तो साफ सुथरे होकर ताजीरा होकर जाए, कुछ ही लम्हात में महफिल में आए, दोस्त की मोहब्बत में सुने मोहब्बत अजमत के साथ जिक्र, जा रहे हैं तो गुनाहों से पाक साफ, गुनाहों की वजह से दिल काला हो जाता है, दिल सख्त हो जाता है, रूह गंदी हो जाती है, लेकिन दोस्तों के जिक्र की बरकत से गुनाह मेट दिए जाते हैं, दिलों को नरम कर दिया जाता है, दिल को नूरानी कर दिया जाता है, रूह को पाकीज़ा कर दिया जाता है। आ रहे थे किस तरीके से जा रहे हैं, किस शान से जा रहे हैं, थोड़ी ही देर में औलिया के जिक्र की बरकत से हमारे दिलों रूहों में खलावा, फिर जो मोहब्बत थी उसका चराग की रोशनी में दाखिल होता है, फिर हमारी जिंदगियों में जज्बा आ जाता है, हम भी औलिया अल्लाह की तरह नेक बनकर जिंदगी गुजारे, इबादत गुजार बनकर। वो देखो इबादत करे तो क्या मुकाम अल्लाह ने दिया, तकवा के अपनाया तो क्या मुकाम दिया। हमको भी जज्बा आता है हम भी अल्लाह के महबूब बन जाएंगे, हम भी लाडले बन जाएंगे, प्यारों के गुलाम बनकर जिंदगी गुजार। ये जज्बे से हमारी जिंदगी में फायदा बता रहा था, अभी बहुत है बतौर नमूना कुछ बता ताकि हम समझे। हम ये जिक्र करते हैं तो खाली नहीं जाता, बल्कि बुजुर्गान जिक्र करते हैं इनका जिक्र सालिहीन तदबीर रहमान, अल्लाह वालों के जिक्र के वक्त अल्लाह की रहमत उतरती है, जितनी देर रहते उतनी देर रहमत इलाही की घटना खड़ी रहती है। मैं थोड़ा सा जिक्र करा फायदा बताएं, अब हम सुल्तान औलिया का जिक्र कर रहे हैं, हबीब के प्यारे नवासे का जिक्र कर रहे हैं, हैदर कलरार के दिल के टुकड़े का जिक्र कर रहे हैं, हबीब की प्यारी शहजादी सय्यदा फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाई आले जन्नत के नूरे नजर की बात कर रहे हैं, हम हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा के नूरे नजर की बात कर रहे हैं। तो आप बताओ हमारे लिए अल्लाह की करम का क्या आलम होगा, ये अल्लाह के वलियों के सालार हैं, अल्लाह के दोस्तों के सुल्तान है, ये हम अपने से नहीं कर रहे हैं, अल्लाह के इल्हाम से खुद से पाक ने अपने सरदार होने का ऐलान फरमाया है। सब जानते हैं और खुसूसन ये हमारा शहर कोजगी शरीफ, ये अल्लाह वालों का उलमाए किराम का शहर है, यहाँ उलमाए किराम की तशरीफ आवरियां होती है, बाकीदा तालीमात यहाँ होती है, यहाँ के हम जज्बात को पहले से जानते हैं, तालिबे थे महबूब नगर में भी आते थे, वहाँ को यहाँ के जाने वाले यहाँ भी गुजार के लाते थे, तो हमारा यहाँ भी तालिबे के बयान होता, फिर उसके बाद भी कई मरतबा यहाँ के लोगों में जहाँ अल्लाह की अजमत का चिराग रोशन है उसके महबूब हबीब का भी, हबीब के अहले बैत किराम का भी, और हबीब के सच्चे गुलाम जितने औलिया किराम हैं सबकी मोहब्बतों से दिल मुनव्वर है। ये बात हमको आखिरत में काम देगी, आप समझ में नहीं आएगा आखिर पक्की बात है, अल्लाह के दोस्तों की मोहब्बत, उसके लाडलों की मोहब्बत। और एक बात कहिए अवसर बात का जिक्र शुरू करता हूं, अल्लाह के दोस्तों से मैंने एक एक मिसाल दिया, अल्लाह दोस्तों से भी मोहब्बत करता है, दोस्तों के चाहने वालों से भी मोहब्बत करता है, तो हम चाह रहे तो महरूम नहीं कोई इंशाल्लाह। मैं वो हदीस सुना दिया, अल्लाह ने खुशखबरी दिया, तुम अल्लाह के दोस्त को चाहते हो मेरी अल्लाह की खातिर, मैं फरिश्ते बोल दे भाई भी उससे क्या है ना। आप एक दूसरी बात सुनिए, जो अल्लाह के दोस्तों से दुश्मनी करता है अल्लाह उसको ऐलान जंग पर मारता, अल्लाह सिर्फ दोस्तों के चाहने वालों से कर मोहब्बत करता है तो दुश्मनी करने वालों को ऐलान जंग भी दे रहा है। ये डेंजर भी है, अदावत नुकसानदेह भी है। मैं अकीदत में बात करने का मिजाज नहीं रखता, जो शरीयत की बातें मालूम है वो